हैं कर्म से, कर्म कटते हैं सच्चे नाम से, सतनाम से, आम नाम से काम नहीं चलता। तो हमने बताया कि एक तो पाठ करवाना होगा बंदी छोड़ के नाम का, वो थारे धर्म का काम से, हमने कोई पाठ मत कुछ नहीं ले जाना। तो उन्होंने बोले जी जो कहोगे वो ही कर देंगे हम। वो नाम ले गया, उसने उस दिन पाछे दवाई छोड़ दी 16 फरवरी से। घरवाला ने चिंता हुई कि यू खांदे खांदे जीवा था दवाई, अरे फिर यू उम्र रहेगा और उसको चैन सा हुआ दवाई छोड़ने पाछे। तो घरवाले उसको 5 दिन के बाद डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला भाई एक्सरे ला पिछले, जो महीने पहले एक्सरे कराया था 15 दिन पहले, उसमें सख्त खतरनाक बीमारी टीबी की, बहुत गहरी भाई। दोबारा एक्सरे तारा, दोबारा एक्सरे उतारा, तो उसमें कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर ने बोला आसपास दवाई मत खाइए, तेरा नुकसान कर सकती है। बोल सतगुरु देव की। देखो ये परमात्मा के गुण होया करें और परमात्मा लाभ देस है, तार के माँ का के यानी गुरु, पूरा गुरु हो और उस गुरु में कह वो लाभ दिया करे। वैसे आम गुरु मेरे महाराज के अंधे गूंगे गुरु गणे ये लंगड़े लोभी लाख, और साहेब से परिचय नहीं और का बनावे साख, ईश्वर से तो जुड़े नहीं और दुनिया बनाए बैठे हैं। आप भी नरक में गधे बनेंगे और गेला उनके वो बनेंगे चेले, उड़े नरक में लौटेंगे और उड़े के कुतिया के पेट में कुतरू बने कहाँगे सारे गुरु चेले। तो इस दुख से बचने के लिए हमने पूरे गुरु की तलाश करनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़का खेल नहीं है कि फिर मिल जाएगा। ये कनाड़ी का फसका अपनी जन्म बर्बाद नहीं करना चाहिए, गुरु की पूर्ण रूप से परख करके जब इसे इसे सुख देने लाग रहा हो यही जन्म में, तो आगे बिराना के साथ ठाठ देगा। और जब यही कोई सुख नहीं है तो आगे कोई लाभ की उम्मीद ना करिए उनसे। कोई नौका आगे सतलोक भेज देंगे, एक स्वर्ग में भेज देंगे, ये बंडाण की बात से। जब हम तो यहाँ तो कैर हो रहा घर में और वहाँ फिर स्वर्ग में, तो यही सुख हो गया तो यहीं पर स्वर्ग से शुरू हो जाएगा और आगे भी आपको लाभ मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार बता है कि जिस घर में ऐसे सुथरे समागम शुरू हो जाते हैं उनके ना जाने कितने दुख परमात्मा दूर करा कर। तो इसलिए बताया कि सत्संग के बिना इस जीव ने ज्ञान नहीं होंदा। सत्संग में आप देख लो कितने गाये हो साबित काम में, बल्कि निंदक ज्यादा होंगे और इस बात को सराहने वाले कम मिलेंगे। क्यों? उनको बेरा नहीं बेचारा ने। जब ज्ञान हो गया हो जाएगा कि यह चीज बहुत बढ़िया है और इसका ज्ञान हो यहाँ वक्त बैठे कोई सुने, वो बिना सुने तक कोई कुछ कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा है, सच्ची बात को सुनने में भी कष्ट होता है। यहाँ का बैठे सुने फिर उसको अजमा कर देखें, हम किसी को बुरा नहीं सिखाते, कोई बीड़ी शराब मांस तम्बाकू से पीछा छुटवाते हैं और परमात्मा के नाम पर लावा सा। दारू पीने वाले को के बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है, हुक्का पीने वाले पर कितना बुरा असर पड़ता है। एक दारू पीने वाला और हुक्का पीने वाला भी हमारे को जो बुरा बतावा है, तो हमने उसकी बुद्धि का बेरा पटरा से, वो कितने दिमाग उसके अंदर है। आप तो सारे काम करे ताश भी खेले और वो भी सत्संग की निंदा करता है, तो आप हिसाब ला लियो वो कितना कामल आदमी से जो हमारी निंदा करता है। फिर निंदक के बारे में कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरा ना मरो और बसो ना मुझसे दूर, भाई गाम गोर व गंदगी साफ करया करे सूर। जो गाम गोर व गंदगी हो सके उसने सूराय का काम हो सके उस गंदगी ने साफ करने का। निंदक जो भगत का होता है वो सबसे प्यारा हो सके उसका, वो उसके सारे अड़ंगे ने साफ करता है, उसकी सारी बुराई ना आप ले लेता है। इसी प्रकार कहा है कि जब तक हम सत्संग में नहीं आवेंगे तो हमने क्या का ज्ञान नहीं होगा। अब सत्संग ये भी नहीं जरूरी होता कि लाखों आदमी इकट्ठे हो जाएं जब बस सत्संग होया करे, दो भाई बैठ के ईश्वर की चर्चा कर लें वो भी सत्संग कहलाता है। हो सकता है उसकी उसी में सद्बुद्धि आ जाए और नाम लेने की चेष्टा बन जाए। इसलिए बताया सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार, सत्संग मोक्ष की दारा कोई समझ राम का प्यार। अब सत्संग का सुनना कोई बड़ी बात नहीं, सत्संग तो बहुत सुन लिए होंगे, पर उसको समझना, समझना नाम सत्संग का उस है। अगर समझांगे नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर कोई लाभ नहीं होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं कैसे, जैसे मीरा बाई ने समझा और सेव नाम के एक सम्मन ने समझा, सेव ने समझा, इनका नाम सत्संग समझना उस है। किस प्रकार कि मीराबाई ने एक बरात देखी और उसमें दूल्हा देखा सजा धजा
सिर पर उसका मुकुट मोड़ और अच्छे उसकी खूब छवि। इसने देख के वह मीरा बाई बालक सी थी ने बोली, माँ यू कौन सा है कि यू फलानी का बनड़ा से? ने बोली, माँ मेरा भी बनड़ा ला दे। बालक थी 5-7-10 साल की, उसने ज्ञान नहीं था यू के खेल से। रोन लागी, हाय मेरा भी बनड़ा ला दे, मेरा भी बनड़ा ला दे। उसने उठा के कृष्ण भगवान की मूर्ति जो कि 1.5 हाथ के करीब थी, बहुत सुंदर मुकुट सजा रखा था, गल में माला डाल रखी थी, उस बनड़े से भी ज़्यादा उस सजा हुआ था, वो ला करके उसको दे दिया। ले बेटी यू तेरा बनड़ा, के नाम से कृष्ण भगवान। उस दिन पाछे उस मीराबाई ने उस ईश्वर को परमात्मा भगवान रूप में समझ कर और उससे अपना पति स्वीकार कर लिया। और साथ में ये गुण बताया उसकी माँ ने जितना बेरा था कि ये परमात्मा है, ये कभी मरता नहीं, अजर अमर है, और इसके साथ जुड़ जाने से बहुत लाभ होता है, सुख देता है, स्वर्ग में पहुँचा देता है, मुक्ति कर देता है। इन गुणों का ज्ञान करके मीराबाई उनसे बहुत प्यार करती थी और जिसे भी टूटे फूटे शब्द थे वो अपने गाया करती थी, ईश्वर को याद किया करती थी, नाम जाप किया करती। तो मीराबाई की मुक्ति का साधन बना, लेकिन बना जब वो गुरु से नाम ले लिया, क्योंकि पिछले संस्कार थे उसके जो प्रबल परमात्मा में रुचि बनी हुई थी, पिछले जन्मों का तप भजन उसके साथ था, लेकिन मुक्ति उसकी जब हुई जब रविदास जी ने उपदेश ले लिया, और उपदेश ले पाछे फिर उसने ज्ञान होया कि मैं तो जमा बर्बाद हो जाती अगर गुरु जी तो नाम ना लेती। तो इस प्रकार हम जब तक नाम नहीं ले लेंगे तब तक हमारा कोई छुटकारा नहीं होगा। तो बताया कि सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। गुरु रविदास की शरणा आई, जब पाया मोक्ष द्वारा। है सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्या। है सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सतसंगे समझा सेऊ शाणा हो गया, साहेब कबीर का आना। सतसंगे समझा सेऊ शाणा हो गया, साहेब कबीर का आना। नेकी समन न खिला दिया खाना, वो अमर किया मनियारा। है सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम को। है सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यारा। अब सतसंग समझना यो सब आइयो, देखो वो कहन सुन की बात तो कुछ और है से, पर सही तत्व है जब हमने इस तरह खरा उतरना चाहिए जिस प्रकार से उस सम्मन उतरे। कैसे? एक सम्मन नाम का मनियार था, वो बंदी छोड़ से उपदेश ले लिया सारे परिवार ने। 3 प्राणी थे घर में, एक तो नेकी जो सम्मन की घरवाली, एक उनका लड़का दोनवा का, वो था सेव उसका नाम था। 3 प्राणी थे। अब देखो सत्संग जहाँ होता है बचपन से बच्चा पे, हम जिस भी जकर घर में करांगे वही असर होया करें, रोजाना असर हो। इतने गरीब हालत थी उनकी, इतनी गरीब हालत थी बेचारा की कि कई बार तो जून उग जाया करती, पर कभी उन्होंने किसी की नीत खराब नहीं करी, ना चोरी करी ना ठगी करी। और यूं क्या करते, बेटा भूल कर चोरी मत कर लियो, सत्यानाश हो जाता है जो चोरी करते हैं लोग, या कोई बुराई करते हैं, रिश्वत लेते हैं, कोई बुरा काम करते हैं। अपनी किस्मत पर सबर करके हमने रहना चाहिए। एक दिन भगवान कबीर साहब ने विचार किया, क्योंकि कमाल के अंदर अभिमान हो गया था, वो महाराज के संग ज्यादा रहता था, सेवा बहुत कराया करता। एक दिन उसके मन में अभिमान आ गया कि महाराज जी के, हाँ भाई मेरे जितनी सेवा आपकी कोई नहीं कर सकता। अब अभिमान चाहे माया का आ जाओ, चाहे भजन का आ जाओ, और भाई चाहे किसी शरीर का, चाहे औलाद का, चाहे संतान का, राज का, वो नष्ट कर दिया कर, भक्ति खत्म हो जाती है। जिस प्रकार एक बार नारद मुनि में अभिमान हो गया था,
उसने जाकर के अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने अब माया जीत ली है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वश में नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र मेरा आगे तक कह दी है, पर और जे करना करिए किता। उसने सोची, क्योंकि बालक ने मना करे ना, दूना चल ला करे उसका नहीं, बालक तक ये था पूरा अच्छे पूरे संत थे। फिर उसके मन में आई, पिताजी तन्य कहीं जाकर जब चीज उपलब्ध कर ली, मैंने जीत ली है, तो बताने में क्या डर से। उसने जाके शंकर भगवान से जिक्र कर दिया कि ऐसे जी मैंने माया को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में किसी काबू में नहीं आऊंगा, मैंने माया जीत लिया। इन्होंने बोला, भाई देखवा बात है तेरी ठीक से, नारद जी संता के काम तो ये होया करें, पर इसका कितने विष्णु भगवान आगे जिक्र ना करिए। उन्हें सोची, न्यू कह आकर पिताजी भी न्यू कह थार ये भी न्यू कह जा कह विष्णु जी आगे फिर कह दिया, कहा भाई नारद जी आ गया महाराज, और भाई ठीक ठाक मौज होगी महाराज। ने बोला, जी एक उपलब्धि मैंने आज कर ली। क्या कर ली भाई? कि मैं किसी माया के काबू में नहीं आऊंगा, मैंने बेरा पट गया कि संसार कुछ नहीं है, हैं, और मैंने सब क्या पर काबू कर लिया। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा करया। विष्णु भगवान ने सोचा कि देख, शंकर जिया का बस में कोनी आया कामदेव, अरे यू कर लिया, ये इसका यू फूटे भागी भी चौधरी पाकेगा, अरे यू गधा बनेगा, फिर जाकर इसका समाधान होना चाहिए। ने बोला, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया करें, शाबाश। अरे यूं कह कर नारद जी चल पड़ा। चल पड़ा तो रास्ते में एक मायावी महल, एक नगर बनाया। उस नगर में, उस नगर के राजा की कन्या की शादी का उपलक्ष हुआ, उसमें बहुत से राजा इकट्ठे हुए। अब उसने नारद ने पूछा, रही ये कि रोड़ा सा हो रहा, बाजे बाजुन लाग रहे और भाई बड़ा खूब धूमधाम हो रही। किसी ने बता दिया कि यहाँ फलाने राजा की कन्या का विवाह है। नारद ने सोचा, चल देख लेते। अब मन में आता है कि क्यों ना यहाँ शादी करवा लूँ, पर शादी तेरी हो क्यों करे, कन्या बहुत खूबसूरत और तेरी सूरत ठीक को नहीं। तो उसने भगवान विष्णु से अर्ज करी कि मुझे अपना रूप दे दे। अब भगवान विष्णु प्रगट हुए, कहने लगे, बोलो ऋषिवर के क्या चाहिए, कि ऐसे ऐसे कन्या का विवाह है और उसने अपना पति चुनना है, और जो सूरत पति होगा उसको चुनेगी, आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। नो बोले तथास्तु। तो उन्होंने बंदर का मुंह ला दिया उस नारद जी का। अब नारद जी सोचे कि तेरा जो सकल है विष्णु भगवान की हो चुकी है, और तेरे जितना सुंदर इस सृष्टि में कोई नहीं, और कन्या तुझे जान दे अपनाओगी। अब वो कन्या माला लेकर के घूम रही होती है, और नारद जी का दोहरे का लकड़गी। उसने सोचा, तू देखा को नहीं, ये ना तो आई बचुन लेती, आगे जाके फट मुँह का डसारा तो आगे आके। उस और लड़की ने और मुंह फेर के दूर के लकड़गी, फिर आगे पहुंचा दिखा कदे फेर कसर रह गई। आखिर में उसको शीशा दिखा दिया, एक ने खड़ा होकर कहा, अपनी शकल तो देख ले तुम, शकल में देखा है तो बंदर का मुंह हो रहा। तो वहां से समझ गया कि मेरे को जो है ना विष्णु भगवान ने ठग लिया। और थोड़ी देर में आ जाता है खुद विष्णु, और उस कन्या के सामने खड़ा हो जाता है, और वो कन्या उस विष्णु जी के गले में वरमाला डाल देती है। तो नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस कारण मैं पत्नी की वियोग में आज इतना दुखी हुआ, इसी प्रकार तू भी एक दिन अपनी इस पत्नी के बारे में दर दर धक्के खाओगा, और तेरी मदद भी जो है वानर करेंगे जिसका तने मुंह लाया। इतना कसराप देकर के नारद जी अंतर ध्यान हो जाता है। एक बार की बात है कि रामचंद्र जी उस श्राप को पूर्ण करने के लिए सीता जी का हरण हुआ, राम वियोग करता हुआ घूम रहा है जंगल जंगल में पहाड़ पहाड़ा के ऊपर। तो नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी ने पता तो हो गया कि तेरे कारण इन्होंने कष्ट पाया, पांव पकड़ कर रोने लग गया। ने बोला, महाराज मैं पापी जीव सूं, अपने स्वार्थवश आपको मैंने श्राप दे दिया है, और आज आप मेरे कारण दुखी हो रहे से। अब कोई बात ना बेटा, मैं तो इस दुख ने ले मरूंगा, पर तेरे पर नहीं उठाओ, तेरे को सुखी करण की खातिर मैंने ये सारा कष्ट मोल लिया है। हम तो पार कर जाएंगे इस कष्ट ने, पर तेरी सी दुर्गति हो जाती तो कुत्ता और गधे की जुनी में जाता, अगर तेरा अभिमान उसमें मैं नहीं तोड़ता तो। इस प्रकार अभिमान जो बहुत खतरनाक होता है,